दोस्तों जय जवान जय किसान। दोस्तों देखिए, आज हम तैयार कर रहे हैं गोभी की जो छोटे पौधे होते हैं उनको बोलते हैं पौध पनीरी। उनको तैयार करने के लिए हम इस तरह से मिट्टी के अंदर ज़मीन के अंदर छोटे छोटे बेड टाइप में बनाते हैं और इन बेड को अच्छे से साफ़ करके अच्छे से समतल करके इनके ऊपर बीज डाला जाएगा। बड़ी सावधानी पूर्वक बीज डाला जाएगा क्योंकि बीज बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है इनका गोभी का। तो बीज लगभग 45 से लेकर 50,000 55,000 रुपये किलो तक आता है। तो हम सबसे पहले ज़मीन के अंदर इस प्रकार से फट्टे की सहायता से बिल्कुल समतल और साफ़ सुथरा बेड बनाते हैं जिस पर कोई कंकड़ मिट्टी घास फूस वगैरह कुछ भी नहीं रहे। बिल्कुल साफ करके इस प्रकार से बेड को बनाते हैं बिल्कुल समतल और ज़्यादा ऊँचाई भी नहीं होती, करीब 3 से 4 इंच की ही इसकी ऊंचाई होती है और बिल्कुल बारीक मिट्टी कर ली जाती है। अब इसको हम बिल्कुल साफ़ करके इसके ऊपर बीज डालने की प्रक्रिया बताएंगे। और साफ़ करके ये देखिए एक विशेष प्रकार का सिरिया है और इस सरिये की सहायता से इस प्रकार से चेरी लाइनें बनाई जाएगी हल्का सा दबाव दे करके, ताकि बीज जो है गोभी का वो बहुत महंगा होता है। एक एक बीज को हाथ के द्वारा इस लाइन इस चेरी के अंदर डाला जाएगा और फिर इसके ऊपर खाद डाला जाएगा। खाद डालने के बाद अच्छी जर्मिनेशन होगी, बहुत अच्छा हमारा जो बीज है वो अंकुरित होगा। तो बड़ी सावधानी पूर्वक पूरे बेड पर इस सरिये की सहायता से इस प्रकार चेरी कर दी जाएगी। और चेरी करने के बाद अगला प्रोसेस क्या रहेगा, इसके अंदर इस प्रकार ये देखिए हमारा बीज है, इसके ऊपर हल्की मेडिसिन लगी होती है ताकि इसको कोई भी कीड़ा मकोड़ा या जीव जंतु इस बीज को ना निकाले खा ना पाए। इसको देखिए इस प्रकार से हाथ के द्वारा ही एक एक चेरी के अंदर इस प्रकार से विशेष तरीके से अंगूठे और उंगली की सहायता से बीज डाला जाता है। और बीज बहुत महंगा होने के कारण बड़ी सावधानी पूर्वक एक एक बीज को इसके अंदर डाला जाता है और इसके अंदर डालने के बाद इसके ऊपर खाद डाली जाती है गोबर वाली बिल्कुल बारीक करके, ताकि हमारा जर्मिनेशन अच्छा हो। खाद डालने के बाद जो जूट वाली बोरियां होती हैं वो इसके ऊपर ढक दी जाती है और पानी लगा दिया जाता है और बोरियां ढकने के 4 दिन बाद हम बोरी को उतार देते हैं और हमारा बीज अंकुरित हो जाता है। ये देखिए बोरियां उतारने के 4 दिन बाद हमारा जो बीज है वो अंकुरित हो गया है इस प्रकार से। अगर हम 3-4 दिन के बाद बोरी को नहीं उतारेंगे तो बीज हमारा बोरी के अंदर से निकल कर हमारा जो बीज है वो ख़राब हो जाएगा। अंकुरित बीज बोरी उठाते वक्त साथ ही निकल आएगा, तो हमें 4 दिन को बाद हमें बोरी उतार देनी है। और इस प्रकार देखिए हमारा जर्मिनेशन बहुत ही अच्छा है। अभी हमें करना क्या है, इसके ऊपर दवाई भी डालनी है ताकि इसमें कोई भी जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा ना हो और इसके ऊपर हमने मच्छरदानी लगा दी है ताकि ज़्यादा धूप भी ना लगे और जो बारिश का मौसम है बारिश सीधी बूंद इस पौध के ऊपर गोभी की पौध के ऊपर ना पड़े। तो बूंद पड़ेगी तो हमारे पौध खराब हो जाएगी। मच्छरदानी लगा दी है, जाली लगा दी है ताकि बूंद इसके अंदर से छनकर आराम से पौधे के ऊपर ज़मीन के ऊपर गिरे तो हमारी पौध भी ख़राब नहीं होगी। अभी देखिए हमारी ये वाली पौध करीब 8-9 दिन की हो चुकी है और ये देखिए 4 से 5 पत्तियां निकाल चुकी है। इसको तैयार होने में करीब 15 से 20 दिन और लगेंगे तो हमारी पौध तैयार हो जाएगी। अभी देखिए जो पौध है पनीरी है वो करीब 25 से 30 दिन बाद हमने इसको उखाड़ लिया है। अब ये बिल्कुल लगाने लायक हो गई है। अभी इसको यहाँ से उखाड़ करके दूसरी जगह पर जहाँ ज़मीन पर खत्ते काट कर हमने लगानी है वहाँ पर इसको लगाएंगे। और विशेष ध्यान रखना है पौधे के नीचे इस प्रकार से मिट्टी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, तभी हमारा पौधा दूसरी जगह पर अच्छी प्रकार से लग पाएगा। तो हम इसको दूसरी जगह पर लगाएंगे और आपको बता देते हैं पौधे के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए। ये देखिए करीब 1.25 बिलात का डिस्टेंस हमारा इसके अंदर होना चाहिए, 4 और 4 8 उंगल कम से कम इसके बीच का डिस्टेंस होना चाहिए, तभी पौधा बिल्कुल प्रॉपर तैयार हो जाएगा। और पूरे किले में इस छोर से लेके उस छोर तक दूसरे छोर तक करीब 320 पौधे किले एकड़ की लंबाई में लगते हैं एक खत्ते के अंदर। एक किले में करीब 80 से 84 खत्ते होते हैं, तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। और देखिए बिल्कुल शाम के टाइम में पानी इसमें लगाना होता है, करीब 4-5 घंटे पहले लगाना होता है, फिर इसके अंदर पौधे को लगाया जाता है लाइनों के अंदर। जिस प्रकार देख सकते हो महिलाएं लगी हुई है, इस प्रकार लेबर के द्वारा इसमें लगवा दिया जाता है। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी,
अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।